टेस्ट राइडिंग द रॉयल एनफील्ड हिमालयन। इसको सारे सब कुछ दे देते हैं। इस व्लॉग को एंड तक देखें। अरे भैया कहाँ से आ रहे हो भैया? रॉयल एनफील्ड जो है वो है एक स्कूल का क्लास मॉनिटर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ये दूसरा एपिसोड आप कह सकते हो बाइक हंटिंग का, जहाँ पे मैं हंटर नहीं खरीदने वाला हूँ। ऑब्वियसली मैं जा रहा हूँ आज रॉयल एनफील्ड हिमालयन टेस्ट राइड करने। लास्ट वीक हमने यस दी एडवेंचर टेस्ट राइड किया था और मैंने आप लोगों के साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया था। आज का जो टेस्ट राइड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि यस दी एडवेंचर एक बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल मोटरसाइकिल है विथ रिगार्ड्स टू द रॉयल एनफील्ड हिमालयन। दोनों एकदम प्रॉपर ऑफ रोडिंग कैटेगरीज के बाइक है। दोनों में स्पोक व्हील्स है, ना कि अलॉय व्हील्स है। सॉफ्ट रोडर नहीं है ये, प्रॉपर ऑफ रोडर है। तो जो लोग भी कंफ्यूज रहते हैं बिटवीन द यस दी एडवेंचर एंड द रॉयल एनफील्ड हिमालयन, वो लोग इस व्लॉग को एंड तक देखें। और लास्ट में मैं एक क्लासिक वर्डिक्ट देने वाला हूँ, वन सेंटेंस वर्डिक्ट फॉर द एडवेंचर एंड द हिमालयन। तो अभी मैं निकलता हूँ, लेट नहीं करते। दो वीक से ट्राई कर रहा हूँ हिमालयन टेस्ट राइड करने का, बट पुणे का वेदर जो है वो नेक्स्ट लेवल पे है। बारिश बारिश बारिश। तो चलिए बाकी की बातें चलते चलते करते हैं। क्या ट्रैफिक है बाबा। पिछले वीकेंड ऐसा हुआ था, मैं आधे रास्ते निकला, मैंने एबी को भी पिक किया, हम आधे रास्ते निकल गए। उसके बाद ऐसा बारिश हुआ कि भाई वहां से सीधा घर वापस। वैसे अभी मैं जा रहा हूँ शिवाजी नगर, बजने वाले हैं 2:10 बाकी है। अरे भैया कहाँ से आ रहे हो भैया? शिवाजी नगर में मैं जा रहा हूँ ब्रह्मा मोटर्स, वहां से टेस्ट राइड करेंगे रॉयल एनफील्ड हिमालयन। आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मैंने लास्ट वीक एडवेंचर टेस्ट राइड किया तो ये दोनों बाइक बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो मुझे ये देखना है कि उस सिमिलैरिटी में से भी क्या क्या डिफरेंस है दोनों बाइक्स में। पहुंच गए रॉयल एनफील्ड ब्रह्मा मोटर्स, अभी जाएंगे पार्किंग करेंगे, वहां लगा दूं। पहुंच गए। टाइम टू टेस्ट राइड द हिमालयन। दिस बाइक लुक्स ह्यूज। यस द एडवेंचर के कंपैरिजन में ये बाइक बहुत ज़्यादा ह्यूज लगती है। तो ये रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहते हैं, तो आई होप कि ट्रैफिक ज़्यादा ना मिले तो अच्छा रहेगा अपने लिए। थोड़ा पावर चेक करेंगे अभी यहाँ से निकल के। पावर तो इस बाइक में भी अच्छी खासी है, और आप इसमें इजीली सैडल भी कर सकते हो। और आपका ऐसा मन करेगा कि आप इस बाइक पे खड़े होके चलाओ इस बाइक को। पॉट होल्स आर नॉट अ प्रॉब्लम फॉर हिमालयन एनी डे। पावर इसमें भी है, बट समहाउ आई फील कि यसडी से थोड़ा कम पावर है इसमें। मैन्यूवर करना इसमें ज़्यादा इजी हो रहा है यसडी से। अगर मैं सिटिंग की बात करूँ तो दोनों बाइक में मुझे इसका सिटिंग थोड़ा ज़्यादा बेटर है यसडी से। आ जाओ, वहीं रख दूंगा ना। हाँ ठीक है, रख के आता हूँ मैं। ओके, अभी मैंने अकेले राइड कर लिया, अब मैं एबी के साथ राइड कर रहा हूँ टू चेक कि जब दो लोग बैठते हैं तो ये बाइक कैसे परफॉर्म करती है। जो नया वाला कंसोल है वो अलग से लगवाना पड़ता है, अभी शायद से वो स्टॉक पे है नहीं। सिटिंग के हिसाब से इसका कंसोल ज़्यादा ऊँचा है, मतलब इसका सिटिंग जो डेप्थ है ना वो ज़्यादा नीचे है। इट लैक्स दैट पावर। अरे मेरा नहीं है भाई, ठोकना मत। ये राइड भी अच्छा था, बढ़िया। टेस्ट राइड वगैरह करके हो गया अपना, अभी हम रूम की तरफ जाएंगे। बारिश हो रही है तो ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, और मैं रूम में जाके एडवेंचर और हिमालयन के बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूँ आपके साथ। हिमालयन का जो ट्रेड है बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बिकॉज इट इज़ एन आरई प्रोडक्ट, और रॉयल एनफील्ड का इलेक्ट्रा मैं बहुत सालों से चला रहा हूँ, तो हिमालयन चलाने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आया। इट सीम्स वेरी फैमिलियर टू मी, एंड नो डाउट बाइक बहुत ही अच्छी है। हिमालयन ऑफ रोड करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, इवन इन सिटी सिटिंग पोस्चर जो है उसका बहुत अच्छा है। तो लास्ट वीक मैंने एडवेंचर चलाया, इस वीक मैंने हिमालयन चलाया, तो मैं दोनों का कंपेरिजन करने वाला हूँ।
ये बताने वाला हूँ आपको कि मुझे किसमें क्या अच्छा लगा और किसमें क्या अच्छा नहीं लगा, या फिर किसमें ज्यादा अच्छा लगा और किसमें थोड़ा कम अच्छा लगा। टॉकिंग अबाउट द प्राइस, दोनों का प्राइस बहुत ज्यादा सिमिलर है, सिर्फ 10,000 का डिफरेंस है। ऑन रोड अगर आप जाओगे तो अराउंड 20,000 का डिफरेंस है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा कलर चूज कर रहे हो। तो जो जो बहुत ज्यादा मेन पॉइंट है मैं उसी पे फोकस करने वाला हूँ। हिमालयन का जो सिटिंग पोस्चर है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा है विद रिगार्ड्स टू द एडवेंचर। हिमालयन में थोड़ा अपराइट पोजीशन है तो वो ज्यादा आसानी होता है आपको चलाने में, इवन मैन्यूवर करने में। मुझे एडवेंचर चलाने में थोड़ा दिक्कत आया था, बट देन हिमालयन को मैन्यूवर करने में ट्रैफिक में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आया। बट ऑब्वियसली अ स्लाइट एज, हाँ ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है उस दोनों बाइक के सेटिंग में। गियर शिफ्टिंग एडवेंचर में ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा स्मूथ है उसका गियर शिफ्टिंग। टॉकिंग अबाउट द इनिशियल टॉर्क, हिमालयन से कई लाख गुना ज्यादा एडवेंचर में इनिशियल टॉर्क है, इनिशियल पावर है, इनिशियल बूस्ट है, दैट मेक्स योर राइड अ मोर फन राइड। ब्रेकिंग मुझे एडवेंचर का ज्यादा पसंद आया हिमालयन में से। एडवेंचर के ब्रेकिंग में ज्यादा कॉन्फिडेंस है। अगर कंसोल की बात करूं तो मुझे एडवेंचर का कंसोल बहुत ज्यादा पसंद आया हिमालयन में से, बिकॉज हिमालयन थोड़ा ओल्ड स्कूल वाला ही है, बट एडवेंचर का जो कंसोल है वो बहुत नया है इन द मार्केट एंड इट लुक्स वेरी गुड। ऑफ रोड का कंपैरिजन मैं नहीं बता सकता आपको क्योंकि मैंने ऑफ रोड किया नहीं है उस बाइक में से, मैं आपको अपना इनिशियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हिमालयन में कोई ABS का मोड्स नहीं मिलता, आपको सिर्फ ऑन ऑफ का बटन मिलता है। ऑन द अदर हैंड एडवेंचर में आपको 3 मोड्स मिलते हैं ABS के। हिमालयन में टॉप रैक इंस्टॉल्ड है तो अगर आपको टॉप बॉक्स लगाना है तो आप उसको उसी के ऊपर लगा सकते हो। यस दी एडवेंचर में आपको सैडल स्टे विद द टॉप रैक सब कुछ मिल जाता है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हिमालयन में मिसिंग है, एडवेंचर में है। हिमालयन में उन्होंने कंसोल निकाला है बट देन सब बाइक के साथ नहीं आ रहे। मैंने पूछा, मैंने कंफर्म किया कि वो बाइक के साथ आ रहे हैं क्या, उन लोगों ने कहा कि अभी डिपेंड करता है वो अवेलेबिलिटी के ऊपर। हिमालयन में सेम ओल्ड हेडलाइट्स है बट देन इसमें आपको LED लाइट्स मिल रहे हैं। तो हिमालयन में बहुत सारे कलर ऑप्शंस है जिसमें से आप चूज कर सकते हो आपको जो पसंद आता है। एडवेंचर में सिर्फ 2 ही ऑप्शन है तो बहुत ज्यादा लिमिटेड ऑप्शन है, उन दोनों में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। बट अगर आप मुझसे पूछो कि मुझे इन दोनों बाइक में से कौन सा ज्यादा अच्छा लगा, आई वुड चूज एडवेंचर बिकॉज ऑफ दिस 3 रीजंस, बिकॉज ऑफ द पावर दैट द एडवेंचर जनरेट्स। बहुत ही ज्यादा पावरफुल बाइक है, फन टू राइड बाइक है एडवेंचर। हिमालयन इज लाइक एन ओल्ड स्कूल स्टफ, उसको आराम से चलाओ, लॉन्ग चलाओ, दूर तक जाओ। एडवेंचर कैन डू दैट एज वेल एज विद सम स्पाइस। एंड द थर्ड पॉइंट इज ब्रेकिंग। ब्रेकिंग जो है एडवेंचर में बहुत ज्यादा अच्छा है, आप 100 की स्पीड में भी बहुत कॉन्फिडेंस से ब्रेक मार सकते हो। अगर मुझे एक सेंटेंस में इस दोनों बाइक का कंपेरिजन कंक्लूड करना है तो मैं ये कहूंगा कि रॉयल एनफील्ड जो है वो है एक स्कूल का क्लास मॉनिटर जो कि सारे टीचर्स का फेवरेट रहता है और पढ़ाई लिखाई करके बेचारा सेकंड आता है। बट यस दी वो बैक बेंचर है जो कि फाइनल्स एग्जाम्स में फर्स्ट आके सबको चौंका देता है। सो आई गेस दैट्स द एंड ऑफ दिस व्लॉग। और एक दो बाइक मैं टेस्ट राइड करने वाला हूँ, उसके बाद मैं डिसाइड करने वाला हूँ कि मुझे कौन सी बाइक चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो विद रिगार्ड्स टू हिमालयन या फिर एडवेंचर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड hit that subscribe button if you are new to this channel and be a part of this family. So you only live once, live life king size. Bye bye and take care my billions, and I will see you in the next vlog.